तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो कहानी है एक हिरन की। एक बार एक हिरन बहुत प्यासा होता है, वह जंगल में इधर उधर घूमता रहता है तो उसे कहीं भी पानी दिखाई नहीं देता है। अंत में उसे एक पानी की हलचल सुनाई देती है। वह उधर जाता है झाड़ियों के पीछे तो देखता है कि वहाँ पर एक नदी बह रही होती है। वह उस नदी को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है तथा पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही वो पानी पीने के लिए नीचे झुकता है तो देखता है कि एक तरफ एक शिकारी तीर लेके उस पर निशाना साधे बैठा होता है और दूसरी तरफ एक शेर जो भूखा था वो अपने शिकार की तलाश में बैठा हुआ होता है। तभी हिरन बहुत चिंतित हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अब करूँ तो क्या करूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद थोड़ा विचार किया और उसने सोचा कि यदि मेरे को मरना ही है तो क्यों ना मैं अपना काम करके मरूं। और वह चुपचाप पानी पीने लगता है। थोड़ी देर बाद मूसलाधार बारिश होने लगती है। उस मूसलाधार बारिश से जो शिकारी है वो अपना निशाना चूक जाता है और उसका तीर हिरन की बजाय शेर को लग जाता है और शेर मर जाता है। तो हिरन उस मूसलाधार बारिश में छुप कर झाड़ियों में भाग जाता है। इस प्रकार एक हिरन थोड़ा सोच समझ के अपने काम पर फोकस करके अपनी जान को बचा लेता है। उसी प्रकार दोस्तों, हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी मुश्किलों से डर कर उस काम को ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। जो भी समस्याएं हैं वो ऑटोमेटिक हम अपने फोकस से उन दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइफ में लड़ना है, भागना नहीं है, डटकर सामना करना है हर समस्या का, चाहे समस्या छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा कि जागो तब सवेरा, क्यों ना हम भी जागे और एक नया सवेरा लाएं।